हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए आगे हूँ एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा शेफील्ड शील्ड लीग का QUN वर्सेस SAU के बीच 4:17 के बाद। ये कोई भाई अलग मैच नहीं है, ये है एक टेस्ट मैच, तो इसके 5 दिन का चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि 5 दिन के लिए मनी थोड़ी फंस सी जाती है ऐसा लगता है, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम, मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पोस्ट करने की, बट ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैच है, शायद मैं ना पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं पहली ऑलरेडी बहुत देर तक पोस्ट करता हूँ टीम, और अब मुझे नींद भी आ रही है गाइज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज़ कर ली थी, तो मैंने कहा आप लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए। तो चलते दोस्तों आगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे नाम के किसी अनदर फेक चैनल में जुड़े हो जिसमें कि काफ़ी मतलब इतने सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब मेरे सिर्फ ना 4.2 के सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप मेरे नाम के किसी अनदर चैनल में हो ना, तो वो फेक है, इसलिए इसी चैनल में आपने जुड़ना है। और अगर किसी अनदर चैनल में हो तो निकल सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ गलत हो। तो बात करते हैं इस मैच की गाइस, QUN वर्सेज SAU। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूं एक एक प्लेयर के बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बात करूंगा एलेक्स कैरी की। प्रीवियस मैच के अंदर एलेक्स कैरी ने एक ही मैच खेला था इस सीरीज़ में, 192 रन इसने मारे थे, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में इसने 125 रन मारे थे, 192 टोटल पॉइंट्स थे इसके, और सेकंड इनिंग में 21 रन पे आउट हो गया। क्योंकि ऐसा होता है, शुरुआती अगर एक इनिंग में प्लेयर चल जाए तो सेकंड में जल्दी उड़ता है, ऐसा हर बार होता है। तो एलेक्स कैरी अपना ऑस्ट्रेलिया का टॉप का विकेट कीपर है, एक एलेक्स कैरी और एक अनदर प्लेयर भी है गाइज, और भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मेन है वो है एलेक्स कैरी और एम वेड और जॉश फिलिप्स, बट एलेक्स कैरी पहले मेन रह चुका है। तो मैं आगे से बात करूँ, यहाँ से मैं इस प्लेयर को ड्रॉप कर रहा हूँ जिसका नाम है जिम्मी पैरिसन का रिकॉर्ड T20 में भी थोड़ा ख़राब सा था। T20 मेरा मतलब है BBL से बिग बैश लीग में ये सारे प्लेयर्स खेलते हैं। और आगे से बात करूँ एच नेल्सन की, आप बैटिंग ऑर्डर के द्वारा नेल्सन को रख सकते हो, क्योंकि अगर आपके ओपोनेंट के पास नेल्सन हुआ तो एक बार आपको लगेगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन जब नेल्सन आउट होगा तो उसके बाद हमारे बैट्समैन की बारी आनी शुरू होगी। बात करूँ बैट्समैन की, तो यहाँ से लूँगा एम लबुस चगने इतना खास प्लेयर नहीं है इस सीरीज़ के लिए, वरना ये प्लेयर तो भाई बॉलिंग भी कराता है, आपको पता होगा ओरिजिनल, ये BBL में बैंड बजा दिया था इस प्लेयर ने, मतलब विकेट्स पे विकेट एक के बाद एक। तो लबुस चगने ऐसा प्लेयर सच्ची है नहीं, पर T20 में ये T20 किंग है। तो जब ये टेस्ट मैच खेलता है तो टेस्ट का रिकॉर्ड इसका थोड़ा सा डाउन है, पर लबुस चगने 90% चलता ही है। उस्मान खवाजा की बात करूँ, उस्मान खवाजा यहाँ पे बिल्कुल भाई अलग ही खेल गया पहला मैच में, इसने बंदे ने 131 रन मार दिए, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग में 46 रन वो फर्स्ट मैच में। और बात करूँ उस्मान खवाजा भी BBL में खेलता है एवरेज। आगे से बात करूँ जे वेदरल्ट टॉप का प्लेयर, ये कई बार ना मिडल ऑर्डर बैटिंग पर भी आता था, बट इस मैच के अंदर अगर ये मिडल ऑर्डर भी आता है तो समझ लेना कि सेंचुरी बजनी है। पिछले मैच के अंदर इस प्लेयर ने 66 रन मारे थे और सेकंड इनिंग में 42 रन, मतलब टोटल देखा जाए तो ये प्लेयर ऐसा नहीं है कि एक इनिंग में सेंचुरी मार गया तो दूसरे पे जीरो पे उड़ गया, ऐसा नहीं है। वेदरल्ट खेलता है एवरेज, मतलब अगर पहले इनिंग में 70 रन है तो दूसरी इनिंग में भी 60-70 मार के जाएगा, मतलब बिल्कुल एवरेज खेलता है। जेल हैमान की बात करूँ, इसकी पिछले मैच में वापसी हुई थी, और वापसी आते ही इसने पहले मैच के अंदर मारे 80 रन और सेकंड इनिंग में 35 रन, मतलब टोटली देखा जाए तो 149 एक नए प्लेयर से मिलना, वो भी 8% सेलेक्टेड, बहुत टॉप की बात है। और आगे से बात करूँ मैट रेंशो की, रेंशो ने फर्स्ट मैच बहुत अच्छा खेला था, 166 रन मार गया था, उम्मीद नहीं थी वैसे इससे, बट 166 मतलब आउट ही नहीं हुआ पूरे टेस्ट इनिंग में, मतलब भाई वन डे टू डे तक तो ये आउट ही नहीं हुआ प्लेयर। आगे से बात करूँ ऑलराउंडर की, तो टी हेड इंटरनेशनल लेवल में भी खेल चुका है प्लेयर, तो इसको मुश्किल नहीं आने वाली। जो बंदा इंटरनेशनल लेवल में खेल लेता है उसको बाकी ये थोड़ा आसान लगता है। जे विल्डरमथ की बात करूँ, जे विल्डरमथ काफ़ी नामी घामी T20 बॉलर है, बट विल्डरमथ फॉर्म में नहीं है, लेकिन कब फॉर्म में आ जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर रन भी बनते तो विकेट भी दपादप गिरती हैं। आगे से बात करूँगा इस बॉलर की, तो यहाँ पे मार्क स्टेक्टी को मुझे छोड़ना पड़ रहा है ड्यू टू क्रेडिट इशू, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ अनदर प्लेयर्स का नाम है C. Sowers, क्योंकि C. Sowers टेस्ट मैच के अंदर प्रॉपर फॉर्म में है। बी डॉगेट बहुत टॉप का बॉलर, बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा होगा मैं क्यों ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ, इसने T20 में एक BBL मैच हो रहा था बिग बैश लीग का, इसने फर्स्ट मैच के अंदर 3 विकेट खींची थी आते ही। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की गाइज, यहाँ पे एक प्लेयर है वॉरल, तो आप वॉरल को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी खेलता है, बहुत टॉप का प्लेयर है ये भी, और मतलब ये, और आप ट्राई कर सकते हैं डब्ल्यू अगर को, अगर ये खेलते हैं तो, क्यों, पर मैं जो इनकी जगह ले रहा हूँ वो है डी ग्रैंट, क्योंकि लिटिल क्रेडिट इशू है। और ग्रैंट ने प्रीवियस मैच के अंदर गाइस 2 विकेट कटवाई थी पहली इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में सिंगल विकेट, मतलब टोटली 3 विकेट्स इन अ सिंगल मैच। और बात करता हूँ गाइस नेक्स्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो मेरा कैप्टन रहेगा वो है टी हेड एंड वाइस कैप्टन एलेक्स कैरी, तो ये रही मेरी टीम गाइस, आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को रिवर्स भी कर सकते हो, बट इट्स माय फाइनल टीम। तो मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, बाय बाय।